हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो एक टर्न अराउंड स्टोरी है और बहुत ही ज़बरदस्त उसने ग्रोथ दिखाया है लास्ट 3-4 ईयर्स में। बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है CG पावर। वो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त उसका ग्रोथ है, तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाना यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। रीजंस क्या है उसकी ग्रोथ का और क्या आगे इन्वेस्टेबल बिजनेस है क्या एट करंट वैल्यूएशन, एट करंट लेवल्स, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा। ठीक है, तो अगर आपने देखा 1 ईयर का चार्ट, आप आई थिंक यू कैन सी, तो यू कैन सी कि एक ये कंपनी जो है 261 रुपीज़ की थी एक साल पहले, और अब जो है वो ऑलमोस्ट 440 रुपीज़ की ये स्टॉक जो है जा चुका है, राइट। तो ऑलमोस्ट जो है डबल के आसपास पहुंच गया है एक साल में। यही चीज़ अगर हम 3 ईयर्स में देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखता है। 24 रुपीज़ से ये स्टॉक 450 रुपीज़ पर आ गया है, 20 टाइम्स ऑलमोस्ट, 17-18 टाइम्स ये स्टॉक जो है लास्ट 3 ईयर्स में बढ़ा है। तो क्या रीजंस रहे इसके, और यही चीज़ 5 ईयर्स में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिस्टेड तो पुरानी है ये कंपनी, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा चीज़ें समझ आएंगी कि कंपनी जो है बेसिकली समथिंग हैपन्ड हेयर, ठीक है ना, कि और ये वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, समथिंग हैपन्ड हेयर, जिसके बाद एक बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी ने एक तरह से ग्रोथ दिया है। बहुत ज़्यादा मतलब हुए हैं कुछ डिप्स, पर बहुत बड़े कुछ डिप्स नहीं हुए हैं कंपनी के। ठीक है, तो क्या बेसिकली हुआ और क्या स्टोरी रही, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर, तो बेसिकली समथिंग हैपन्ड हेयर एंड दैट वाज इन अगस्त। ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत बढ़े अगस्त में और उसके बाद कंपनी ने लगातार बहुत ही अच्छा ग्रो किया। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का डीग्रोथ रहा है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट में कंपनी एक 6 रुपये का बेसिकली एक पेनी स्टॉक भी रहा है, सिर्फ 6 रुपये का स्टॉक था ये 8 अप्रैल 2020 में। तो यू कैन इमेजिन कि ये कंपनी की कहाँ से कहाँ ग्रोथ हुई है। ठीक है, और तो ये रीजंस क्या रहे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें और ये थोड़ी हिस्टोरिकल देखें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है। ठीक है, 2016 में बहुत बड़े लॉसेस, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में लगातार इस कंपनी ने लॉसेस किए हैं, और फिर 2021, 22, 23, 24 फिर ये प्रॉफिटेबल लास्ट 3-4 साल से हुई है, और तब से इसका ग्रोथ जो है वो इतना अच्छा रहा है, राइट। और ये जो अगर हम डेट के स्टेटस भी देखें तो कंपनी का जो डेट है एक टाइम पे 1.55 डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो पहुंच गया था। अब जो है इट्स अ 0 डेट कंपनी, तो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त टर्न अराउंड हुआ है लास्ट 3 साल में इस कंपनी का। ठीक है, और उसके रीजंस जो रहे हैं वो मेजरली ये रहे हैं कि प्रमोटर चेंज्ड। तो बेसिकली इट इज़ अ, एज आई सेड, इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी। ठीक है, तो अगर हम वो उसकी बात करें कि ये हुआ कैसे, तो आप को ये समझना है कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र कर रही थी, देर वर लॉट ऑफ इश्यूज, गवर्नेंस इश्यूज, ये अवंता ग्रुप करके ग्रुप के पास थी, बहुत सारे NCLT में चली गई ये कंपनी। और फिर जो है 2020 में अगस्त में क्या हुआ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, दे एक्वायर्ड इट फ्रॉम NCLT। ठीक है, उन्होंने इसका स्टेक, इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक लिया और उसके बाद पूरा इस कंपनी को टर्न अराउंड किया। ठीक है, 800 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए कंपनी में, सब चीज़ें बहुत, और आज कंपनी को इन्होंने डेट फ्री बना दिया। इन्होंने रिलेशनशिप इम्प्रूव किया अपने कस्टमर्स के साथ, इन्होंने मार्केट शेयर को रीगेन किया जो इन्होंने लूज़ किया था, इन्होंने नए एरियाज़ में एंटर किया जैसे रेलवेज, EPC वगैरह में, एबिटा मार्जिन इम्प्रूव किया, इन्होंने पूरा का पूरा 5 साल का अकाउंट वापस रिवाइज़ किया, पूरा जो जो इश्यूज़ थे अकाउंटिंग में वो सब वापस रिवाइज़ किए, सारी जो कॉर्पोरेट गारंटीज़ दी थी इन्होंने वो कंप्लीट की, राइट। और बहुत सारे जो लोन्स थे उनके प्री पेमेंट करके और प्री रिडेम्पशन ऑफ NCDs वगैरह करके इन्होंने कम्प्लीटली इसको क्लीन बैलेंस शीट इस कंपनी को लास्ट 3 साल में किया। ठीक है, और इसकी वजह से ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स लव सच स्टोरीज़, राइट। हमें बहुत अच्छी लगती हैं ये स्टोरीज़ कि एक कंपनी 6 रुपये से लेके आज जो है वो 440 रुपीज़ पे वो स्टॉक गया है जस्ट 3 ईयर्स में, राइट। एवरीवन लव्स सच स्टोरीज, तो ये एक ऐसी स्टोरी रही। बट इसमें, इस स्टोरी में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है चेंज इन गवर्नेंस, चेंज इन द प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर ने इसको यहाँ से यहाँ लेके गया। तो अगर हम परफॉर्मेंस वाइज भी देखें, राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Q1 इनका जो लेटेस्ट डेटा है बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें ग्रोथ है 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सेल्स की, राइट। पैट जो है 192 करोड़ का है, ROC 45% का Q1 में इन्होंने बताया है अपना। अनएग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक 4900 की इनके पास करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक पेंडिंग है, मतलब एक अनएग्जीक्यूटिड है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम ओवरऑल देखें
तो कंपनी एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है बीइंग अ कैपिटल गुड्स कंपनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो गई और इसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। कंपनी जो है मेजरली इंडस्ट्रियल सिस्टम, अच्छा ये वीडियो जो है बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं इसको बहुत डिटेल में इस बिज़नेस वगैरह को समझाऊंगा। यहाँ पर एक बहुत हाई लेवल पे आई ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ये कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली हमने ट्यूब इन्वेस्टमेंट का थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया था, आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा, ठीक है। तो वो सिंस वही प्रमोटर है इसका, तो हमने इसको भी थोड़ा स्टडी किया, तो आई थॉट कि आई विल टॉक अबाउट इट विद यू, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स जो कि एक मोटर बनाता है इनका, वो भी हम समझेंगे। 71% इनका बिजनेस वहाँ से आता है, 29% पावर सिस्टम से आता है, और क्या क्या करते हैं वो हम समझ लेते हैं आगे, ठीक है। तो अभी जो है दे आर द लीडर एंड वॉल्यूम प्लेयर इन मोटर बिजनेस, ठीक है। जो इनका इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसमें ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर इन्होंने अपना लीन किया है, 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी, ठीक है। और इनका जो है मोटर्स में और ट्रांसफार्मर जो पावर सिस्टम है दोनों में इनका बड़ा एक्सपेंशन प्लान्स जो है कंपनी बात कर रही है। तो अगर हम इनका जो मेन बिजनेस है इंडस्ट्रियल सिस्टम विच इज़ ऑलमोस्ट 79%, तो उसमें देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े मार्केट शेयर हैं इनका। लो टेंशन एसी मोटर्स बनाते हैं 35% मार्केट शेयर है, डीसी मोटर्स बनाते हैं 29% वॉल्यूम मार्केट शेयर है, लार्ज इंडस्ट्रियल मोटर्स बनाते हैं 16%, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स 26%। तो एक बहुत ही अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है इस जगह पे। और अगर हम इंडस्ट्री साइज देखें राइट, तो टोटल 13,000 करोड़ की बेसिकली इंडस्ट्री है, ठीक। तो उस हिसाब से एक अच्छा खासा मार्केट शेयर पे ये कंपनी पहुंच चुकी है, राइट। तब द क्वेश्चन इज कि यहाँ से अब आगे का ग्रोथ वो कंपनी को कैसे मिलेगा, कितना बड़ा है। तो एक्सपोर्ट्स तो डेफिनेटली एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट, कि जहाँ पर ये दे कैन प्ले अ रोल। लेकिन कंपनी अभी तो ये बोल रही है कि भाई हमारे पास एक्सपोर्ट्स की पोजीशन ही नहीं है, हमारी ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है कि हम उसी को कंप्लीट कर लें, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो बट अगेन सिंस द मार्केट साइज इज नॉट दैट बिग, मतलब जो मार्केट साइज है उसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर है, अब उसको ये मेंटेन कर पाते हैं। और मार्केट का ग्रोथ रेट जो हमने समझा वो 7-8% का ही है, तो 8% से ही ये ग्रोथ होगा या आगे और बड़ा ग्रोथ होगा। एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी नई चीज़ें हो सकती हैं, नई जगह एंटर कर सकते हैं, इन्होंने एंटर किया है। तो दे हैव एंटर्ड फ्रॉम मोटर्स टू रेल, ठीक है। तो रेल नेटवर्क में भी वहाँ पर भी इन्होंने मोटर्स वगैरह का जो रेलवे में यूज़ होती हैं वहाँ पर भी इन्होंने सेटअप किया अपना, और अच्छा खासा ग्रोथ जो है वहाँ पर लिया। उस पर दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थिंग विच दे हैव, जहाँ पर उनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। तो अलग अलग जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस मतलब सोच रहे हैं एक्सपोर्ट्स का भी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इनका अब कंपनी की बात अच्छी अच्छी क्या है कि एक तो बहुत ज़बरदस्त भाई ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, एक पूरी टर्न अराउंड स्टोरी अच्छी लगी। फिर रेलवे वर्ड जो है आजकल एक बज वर्ड है, ठीक है, किसी भी कंपनी को रेलवे में काम करती है, बिकॉज रेलवे में गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस है कि कोई भी रेलवे में कुछ करता है तो वो मतलब मार्केट को काफ़ी अच्छा लगता है। तो रेलवे में दे आर डूइंग वेल एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट एंड दे आर गिविंग लॉट ऑफ गुड नंबर्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो वहाँ पे भी और काफ़ी बड़ी मतलब डिमांड वहाँ से आ रही है विद वंदे भारत 100% रेलवे रूट्स और सारी चीज़ों में, ठीक है। तो वहाँ से भी दे आर थिंकिंग कि इनकी 845 करोड़ रुपीज़ की सिर्फ रेलवे की ऑर्डर बुक है करंटली इनके पास, ठीक है। तो इस तरह से, और वो भी 330 करोड़ रुपये की लास्ट क्वार्टर में आई है, तो इसीलिए वो भी एक बड़ा है जहाँ पर दे कैन एक्सपैंड, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड इनका जो बिजनेस है विच इज़ लाइक 21-22%, वो जो है पावर सिस्टम्स बिजनेस है, जिसमें दे मेक ट्रांसफार्मर्स, तो दे मेक पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, राइट। वहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ पर मार्केट भी मतलब काफ़ी बड़ा है, उनका मार्केट शेयर उतना बड़ा नहीं है। बट ऑब्वियसली दे आर बिग प्लेयर्स देयर, राइट, सीमेंस वगैरह जैसे, या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हनीवेल वगैरह जैसे, राइट। बट वहाँ पर इनका मार्केट शेयर फिर भी एक छोटा है, तो एक एज ए इंडियन प्लेयर मेक इन इंडिया कंसेप्टिव के हिसाब से और एक एग्रेसिव डोमेस्टिक प्लेयर के हिसाब से तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस लग रहा है। और इनका जो ऑर्डर बुक है जो ऑलमोस्ट 4,900 का है, उसमें से ये कह रहे हैं 2,900 करोड़ रुपीज़ का ऑलमोस्ट पावर सिस्टम्स का ही ऑर्डर बुक है। सो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ बिगर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट, तो दैट्स वॉट मतलब जो मैनेजमेंट के इंटरव्यूज पड़े, तो ये सेगमेंट उनका एक बड़ा मतलब हायर ग्रोथ सेगमेंट उन्होंने कहा है कि भाई हमारे लिए फ्यूचर में ये बड़ा हायर ग्रोथ सेगमेंट हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये पावर सिस्टम्स भी उनका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो करंटली अगर हम देखें तो इनके पास दो बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक रेलवे जो कि अभी छोटा है बट अपॉर्चुनिटी है, और एक पावर सिस्टम्स में ग्रोथ। जो इनको थोड़ा सा वरी कर रहा है वो है इनका इंडस्ट्रियल सिस्टम, जहाँ पर इनकी अच्छी खासी मार्केट शेयर है, तो उसमें मार्केट शेयर अगर ये मेंटेन भी करते हैं तो मार्केट एक बहुत बड़ा नहीं है ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली है पावर सिस्टम्स, ऑब्वियसली बिकॉज पावर
एज अ सेक्टर इज डूइंग वेल, राइट, मेक इन इंडिया और चाइनीज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिकली गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डू, राइट. तो पावर में, मतलब मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल इन द पावर हैं फ्रॉम मेट्रो प्रोजेक्ट्स परस्पेक्टिव, रिन्यूएबल एनर्जी परस्पेक्टिव, राइट, सब स्टेशन परस्पेक्टिव. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पावर में ओवरऑल इंडिया में चल रही हैं, तो उसमें एक अच्छा खासा इनको ग्रोथ बेसिकली दिखता है. ठीक है, तो मेजरली कंपनी इज़ टॉकिंग अबाउट कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी अभी क्या कहते हैं ऑर्डर बुक है, वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी. तो हम, दे आर लुकिंग फॉर एक्विजिशंस एज वेल, मतलब दैट्स व्हाट द देयर एमडी सेड जो इन रिसेंट इंटरव्यू, कि भाई हम बहुत ही एक लगातार हम एक अच्छे एक्विजिशन की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर हमें ग्रीन फील्ड एक, मतलब वो ना करना पड़े, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स ना करनी पड़े, या तो हम नए जो है एक्विजिशन करके और हम अपनी जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट कर पाएं. तो एक अच्छा खासा इनका ग्रोथ फ्रॉम द ऑर्डर बुक परस्पेक्टिव, एवरीथिंग परस्पेक्टिव दिख रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली मार्केट इज हैज शोन सच ए बिग ग्रोथ. तो एक तो कंपनी ने ग्रो बहुत अच्छा किया, राइट, और ऊपर से अच्छा खासा ऑर्डर बुक है और एक अच्छे सेगमेंट में है जो कि मेक इन इंडिया में काफ़ी बड़ा सेगमेंट ओवरऑल चल रहा है. ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है. अगर हम मार्च 2021 में देखें तो 9% का था, अब जो है 16% फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का होल्डिंग है कंपनी में. ठीक है, प्रमोटर भी धीरे धीरे स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल मतलब हर चीज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो बाइंग, प्रमोटर इज ऑल्सो बाइंग, तो ऑब्वियसली मार्केट में स्टेक जो है, शेयर का भाव बढ़ेगा ही और उसकी वजह से बढ़ा भी है. अब वरीसम क्या है, वरीसम है उनका पी रेशियो, राइट. अगर हम वो चीज़ देखें जो वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से, तो करंटली दे आर वैल्यूड एट अराउंड 63 का प्राइस टू अर्निंग, एंड दे आर इनटू कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, विच इज़ अ, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक जीडीपी के हिसाब से ग्रो करना चाहिए, राइट. मतलब चलो ठीक है, आप मेक इन इंडिया कर रहे हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, बट एक्सपेक्टिंग अ 63 का, मतलब प्राइस टू अर्निंग विद कंप्लीट हर चीज़, मतलब अगर हम उनकी ग्रोथ देखें और सब चीज़ें देखें, वो सब चीज़ें फाइंड आउट करें, तो एक अच्छा खासे वैल्यूएशन पे कंपनी बैठी है. ठीक है, अभी मार्केट ऑब्वियसली अब कितना अदर मार्केट शेयर को लेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े महारथी हैं, राइट. इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड में अगर हम देखें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो है, सीमेंस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एबीबी इंडिया है, ठीक है, फिर हनीवेल है, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो कि, मतलब ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो एट गुड वैल्यूएशन, बट दे आर, मतलब एमएनसीज हैं और काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, राइट. तो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, ऑब्वियसली अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह पे हैं, बट एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन कंपनी विल फेस नाउ विद दैट लेवल काइंड ऑफ ए थिंग, राइट. सी जी, राइट, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स से बेसिकली ये कंपनी है, तो इनका जो सी जी है, दे कैन ऑल्सो यूज दिस सी जी एंड इवन द क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो कि अलग अलग प्रमोटर्स हैं कंप्लीटली, दोनों जो है इसको यूज़ कर सकते हैं. तो वो एक रिस्क जो है थोड़ा सा, एटलीस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल, बिकॉज दैट्स अ B2C कंपनी, वो ये भी यूज़ कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव सम फैन बिजनेस, थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल, छोटा सा बिजनेस इनका वहाँ पे भी है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट करंटली, बट वो बिजनेस भी इनके पास है. तो ये सारी चीज़ें हैं. करंटली द मेन वरी फॉर मी डेफिनेटली इज़ द वैल्यूएशन एट विच दे आर ट्रेडिंग, मतलब एक MNC's कंपनी की वैल्यूएशन के आसपास दे आर ट्रेडिंग. ठीक है, जहाँ जिनको थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, बट डेफिनेटली मैनेजमेंट हेयर इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड दे हैव शोन दैट ग्रोथ. बट अब आगे जो है ये किस तरह से एग्रेसिव स्टांस लेते हैं, अगर एक्विजिशन स्पीड पे जाते हैं तो उस तरह से कैसे मैनेज करते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी कि ये वैल्यूएशन को वो जस्टिफाई कर पाएंगे क्या विद देयर नंबर्स. ठीक है, और अपना मार्केट शेयर और गेन कर पाएंगे या एटलीस्ट मेंटेन कर पाएंगे, एटलीस्ट इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम्स. तो दोज आर द रिस्क एसोसिएटेड विच आई एम सीइंग इन दिस कंपनी, बट ओवरऑल डेफिनेटली इट्स अ बिग बिग टर्न अराउंड स्टोरी. वी शुड डेफिनेटली कीप ऑन वॉचिंग दिस स्टॉक. अगर हम एक, मतलब एक मेक इन इंडिया स्टोरी बेसिकली अगर हम वी आर लुकिंग एट, या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेसिकली स्टोरी वी आर लुकिंग एट, तो आई थिंक डेफिनेटली वी शुड लुक keep on looking at this, tracking this company for long, and we are also going to track this company now with more closely, and stockometer पे आपको इसकी updates and details जो हैं वो I am sure मिलते रहेंगे. तो अगर आप अभी तक stockometer subscriber नहीं हैं तो please जो है नीचे coupon code चल रहा है, तो उस coupon code पे आप stockometer बहुत अच्छे discount के साथ subscribe कर सकते हैं. We almost track right 200 स्टॉक्स बहुत ही क्लोजली, बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करके, बहुत अच्छा एनालिसिस आपको वहाँ मिलेगा, समझेगा कंपनी करती क्या है. ठीक है, तो बहुत सारी इस टाइप की वीडियोस भी मिलेंगे. तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू चेक investinder.in, एंड हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों. जय हिंद.